प्रदेश में शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए दो चरणों में नामांकन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत शिक्षा विभाग ने साल 8 लाख नए नामांकन का लक्ष्य रखा था। 26 अप्रैल से शुरू हुए पहले चरण 2 मई को पूरा हो गया, लेकिन पहले चरण में शिक्षा विभाग 4 लाख नामांकन टारगेट हासिल नहीं कर पाया। नामांकन टारगेट पूरा नहीं होने पर शिक्षकों ने बताया कि लोकसभा चुनाव के चलते इस बार टारगेट पूरा नहीं कर पाए। चुनाव में शिक्षकों को बीएलओ बनाया गया और साथ ही स्कूलों में ट्रेनिंग सेंटर भी रखे गए थे। इसके चलते शिक्षक नामांकन अभियान में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे चरण में विभाग 8 लाख नए नामांकन के टारगेट को पूरा कर लेगा। जी बिल्कुल सर, 26 तारीख से ही प्रथम चरण प्रवेश आरंभ हो चुके हैं और विद्यालयों में पहला नामांकन जो है वो 26 से लेकर के और ये 2 मई का जो पीरियड था इसमें काफ़ी एडमिशन्स हुए हैं, लेकिन जो संख्या आकी जा रही थी वो चुनावों के चलते बहुत सारे टीचर्स क्योंकि चुनाव के कार्य में